इन्फिनिक्स नोट 30 5G, इन्फिनिक्स जीरो 20 वर्सेस रेडमी नोट 11 फ्री फायर मैक्स बैटरी ड्रेन टेस्ट 100 to 0%। तो गाइस मेरे हाथ में है यहाँ पर ये तीनों कंपेटिटर स्मार्टफोन, जो कि इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, इन्फिनिक्स का जीरो 20 एंड रेडमी की तरफ से लॉन्च हुआ रेडमी नोट 11 वाला स्मार्टफोन। आज मैं गाइस स्पेशली इन तीनों स्मार्टफोन का एक साथ कंपैरिजन बेसिस पे एक फ्री फायर मैक्स का बैटरी ट्रेन टेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर आप इन तीनों स्मार्टफोन में एक साथ फ्री फायर मैक्स गेम को अगर आप प्ले करते हो तो 100 to 0% बैटरी को ड्रेन करने के लिए तीनों स्मार्टफोन्स कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास ये वेरिएंट है इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, जो कि 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। ये इन्फिनिक्स का 020 जो कि है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। ये है रेडमी का नोट 11 जो कि 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तीनों स्मार्टफोन में गाइस यहाँ पर जो बैटरीज है वो है यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है। यह है इन्फिनिक्स का 020 जो कि 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है। यह है रेडमी का नोट 11 जो कि 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। यानी कि ये जो दोनों स्मार्टफोन है दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी है और इसमें 4500 mAh की बैटरी आती है। नाउ अब आ रही है प्रोसेसर्स की। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का नोट 30 5G है इसमें जो प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है, डायमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर। इसमें आता है मीडियाटेक का प्रोसेसर हेलियो G99 का प्रोसेसर। उसके बाद जो रेडमी का नोट 11 इसमें आता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 680 वाला प्रोसेसर। दैट्स इट। मैंने तीनों स्मार्टफोन को लेकर गाइस और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए जिसे आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है तीनों स्मार्टफोन का एक साथ फ्री फायर मैक्स का बैटरी ड्रेन टेस्ट करने की। तो एक तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी गाइस जो तीनों स्मार्टफोन है तीनों स्मार्टफोन्स की जो बैटरी है अभी पूरी की पूरी 100% यहाँ पे चार्ज है। तो तीनों स्मार्टफोन में गाइस मैं प्योरली 100 to 0% का बैटरी ड्रेन टेस्ट करने। तो यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का नोट 30 5G है इसकी बैटरी पूरी 100% यहाँ पे चार्ज है, ऑनली 1% यहाँ पे काम है। उसके बाद जो इन्फिनिक्स का 020 ये स्मार्टफोन भी 100% चार्ज है। एंड देन इसके बाद रेडमी का नोट 11 ये स्मार्टफोन भी पूरा 100% चार्ज है। तो बस तीनों स्मार्टफोन में फ्री फायर का जो गेम है उसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो डायरेक्टली गेम को प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे का जो एक्टिविटी है एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में टाइमर भी सेट करेंगे। तो अभी का सब तीनों स्मार्टफोन में अगर आप गेम को प्ले करते हो तो जो बैटरी होता है उसका ड्रेन होना डिपेंड करता है कि आप गेम को कौन से ग्राफिक सेटिंग्स पर आप प्ले करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों स्मार्टफोन का ग्राफिक सेटिंग्स बता रहा हूँ। तीनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम ग्राफिक रखने वाला हूँ जो कि होगा मैक्स ग्राफिक। तो यहाँ पे जो ग्राफिक होगा ये मेरे हाथ में इन्फिनिक्स का नोट 30 5G है। तो इसमें जो ग्राफिक मैंने रखा है यहाँ पे मैक्स ग्राफिक है, रेजोल्यूशन हाई है, शेडो ऑन है और जो FPS है उसे भी मैंने हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे सेट किया हुआ है। यानी कि हाईएस्ट ग्राफिक पे और हाईएस्ट FPS पे मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ। उसके बाद जो ये इन्फिनिक्स का 020 है इसमें भी मैं सेम टू सेम ग्राफिक्स पे गेम को प्ले करने वाला हूँ। हाईएस्ट ग्राफिक में रेजोल्यूशन हाई और हाईएस्ट FPS पे गेम को प्ले करने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो रेडमी का नोट 11 है इसमें भी मैं सेम टू सेम ग्राफिक्स पे और हाईएस्ट ग्राफिक पे गेम को प्ले करने वाला हूँ। मैक्स ग्राफिक, रेजोल्यूशन हाई और हाईएस्ट FPS पे गेम को प्ले करूँगा। तो तीनों स्मार्टफोन मैंने ग्राफिक सेटिंग्स सेम टू सेम रखे हैं। एंड देन उसके बाद एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ पे टाइमर को भी यहाँ पे सेट करेंगे। एंड यहाँ पे कैसे कुछ चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तीनों स्मार्टफोन में अगर आप गेम को प्ले करते हो तो जो ब्राइटनेस है वो भी मैटर करता है। तो जो ब्राइटनेस आप रखने वालों का तीनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहने की ऑलमोस्ट मैं 80% का ब्राइटनेस तीनों स्मार्टफोन में रखूँगा एंड 80% ब्राइटनेस पर हम गेम को प्ले करेंगे तीनों स्मार्टफोन्स में। तो तीनों स्मार्टफोन मैंने 80% ब्राइटनेस को रखा हुआ है। एंड जो साउंड वॉल्यूम है गाइस साउंड वॉल्यूम को मैं बहुत ही कम रखूंगा ताकि जो तीनों स्मार्टफोन में एक साथ गेम को प्ले करो तो इसलिए ऑब्वियस साउंड ज़्यादा ना है, इसलिए साउंड वॉल्यूम में तीनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम रखने वाला हूँ।
सो गाइस यहाँ पर अभी टोटली 4 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो टाइमर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड इन तीनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस चेकआउट करते हैं। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट इन तीनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस। तो ये है गाइस इन तीनों स्मार्टफोन सो बैटरी स्टेटस। तो सबसे पहले आप देखो जो इन्फिनिक्स का नोट 30 5G वाला स्मार्टफोन है, इसका करंट बैटरी स्टेटस है गाइस 42%। उसके बाद जो सेकंड वाला स्मार्टफोन है जो कि ये इन्फिनिक्स का 020 वाला स्मार्टफोन है, जिसका करंट बैटरी स्टेटस 34% है। एंड उसके बाद है यहाँ पर ये रेडमी का नोट 11, जिसका करंट बैटरी स्टेटस 47% है। तो यहाँ पे आप देखो जो रेडमी का नोट 11 है, ये एक तरीके से थोड़ा बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटरी, और इन्फिनिक्स नोट 35G का 42% है। और इन्फिनिक्स 020 गाइस इसमें तो बैटरी कम आता है, यानी कि 4500 mAh की बैटरी आती है, तो इस स्मार्टफोन के हिसाब से उसका बैटरी बैकअप एकदम परफेक्ट है। तो अभी भी यहाँ पे तीनों स्मार्टफोन में फिर से मैं गेम प्ले को कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे देखते हैं कि और ये तीनों स्मार्टफोन्स कितना टाइम कंज्यूम करते हैं पूरा का पूरा 0% बैटरी को ड्रेन करने के लिए। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस यहाँ पर अभी टोटली 5 hours 30 minutes यानी कि 5.5 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर गाइस इन तीनों स्मार्टफोन में लास्ट 5 hours 30 minutes से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप जो फ्री फायर का गेम प्ले है वो चालू होता है। जब मैंने स्टार्टिंग किया था गाइस पूरा का पूरा मैंने 100% से स्टार्ट किया था इन तीनों स्मार्टफोन्स में, और अभी यहाँ पर टोटली 5.5 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी गाइस यहाँ पर इन तीनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस जो है उसे एक बार यहाँ पे चेकआउट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं इन तीनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर मैंने टाइमर को स्टॉप कर दिया है, तो अभी यहाँ पर 5 hours 30 minutes कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेट्स ओपन करते हैं। तो ये है गाइस इन तीनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस लास्ट 5.5 घंटे का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो जो इन्फिनिक्स का नोट 30 5G वाला स्मार्टफोन है, इसकी बैटरी अभी 19% है, यानी कि और इसमें ये 30% का बैटरी बैकअप देगा, बिकॉज अभी भी इसका 20% का बैटरी बाकी है। और अगर मैं इसमें गेम प्ले को कंटिन्यू करूँ तो ये और 30 मिनट्स चलने वाला है, 30 मिनट से ज़्यादा ये बैटरी बैकअप देने वाला नहीं है। तो नॉर्मली ये आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली प्रोवाइड करेगा अगर आप इसमें गेम प्ले को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला स्मार्टफोन है जो कि इन्फिनिक्स का 020 वाला स्मार्टफोन, और ये जो स्मार्टफोन है पूरा का पूरा 0% के आसपास ड्रेन होने आ चुके हैं, ओनली जस्ट लास्ट का 4% बैटरी बाकी है। तो इसने यहाँ पर टोटल 5 hours 30 minutes यानी कि 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है फ्री फायर के बैटरी डेंटेस में 0% ड्रेन करने के लिए। एंड देन उसके बाद फाइनली ये वाला स्मार्टफोन जो कि रेडमी का नोट 11 है, ये स्मार्टफोन की बैटरी भी अभी 23% है एंड यहाँ पर ये स्मार्टफोन भी और 30 मिनट्स का बैटरी बैकअप देगा, यानी कि और आपको टोटल 6 घंटे का बैटरी बैकअप देगा अगर इसमें गेम प्ले को कंटिन्यू करते हो। तो यहाँ पर आप देखो इन्फिनिक्स का नोट 35G एंड यहाँ पर Redmi Note 11, ये दोनों स्मार्टफोन आपको गाइस सेम टू सेम बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं और दोनों स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया, दोनों स्मार्टफोन 30 मिनट्स और चलने वाले। तो Infinix 020 यहाँ पर 6 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है एंड ये जो Infinix का नोट 35G एंड Redmi Note 11, ये दोनों स्मार्टफोन ने 6 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है और इसमें 5 hours 30 minutes का बैटरी बैकअप दिया है पूरा का पूरा 0% बैटरी को ड्रेन करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट, आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये था गाइस तीनों स्मार्टफोन का फ्री फायर का बैटरी ड्रेन टेस्ट 100 to 0।